बर्बाद है तो बर्बाद हो जाए अच्छे से। ये मरी वो चलो मैं आज या तो अपने आप का जमा या तो हमें मारे बस दोनों से एक लोग रही वीडियो बना कुछ बना मीडिया बात करने के लिए इनके पास गए थे। इन्होंने कान से वो मतलब हाथ से हाथ में पेन पकड़े हुए थे। इन्होंने एकदम से कान में हमारे डाल दिया कि तो मैं सही मेरे कान से खून निकलने लगा। ये यहाँ से निकल गए। बस हम बात करना चाह रहे थे। कहते अभी तेरी अभी तेरा कान फोड़ा फिर तेरी आँख भी फोड़ूंगा रुक जा तू। धमकाते हैं जान से मारने की धमकी देते आए दिन हम ऐसे बोलते हैं। हम कहाँ से पैसे लाएँ बताओ 20 लाख रुपए कार मांग रहे हम कहाँ से ला करते हैं। क्या नाम है कहाँ पे आई हैं? हम हरदोई से आए हैं। मेरा नाम अर्चना है। रायबरेली आए थे नॉमनी के कागज़ देने आए थे कल आए नॉमनी के तो सर ने कहा था ठीक है रुक जा देख लो एक दिन देख लो तो इस वजह से हम रुक गए थे यहाँ रायबरेली में। उसके बाद में आज हमारे हस्बैंड आए थे ड्यूटी DC आर्मी में बात करने के लिए गए हम। उन्होंने मेरे कान में पेन डाल दिया मेरे कान से खून निकला कह रहे तू रुक जा अभी तो तेरा कान फोड़ा फिर तेरी आंखें फोड़ूंगा। किसने विवाद कुछ नहीं है यही विवाद है कि मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए शादी की थी। 1.5 साल तक मेरे साथ शारीरिक शोषण करते रहे उसके बाद में जब मुकदमा होने पे आया तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मेरे से शादी कर ली। मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए शादी की है। मैं तुझे नहीं रखूँगा मैं तो दूसरी शादी करूँगा मैं नहीं तुझको रखूँगा। या तो अगर मेरे साथ में रहना है तो 20 लाख रुपये दो एक कार दो तो मैं रखूँगा साथ में वो भी पत्नी का सुख नहीं दूँगा तेरी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर। आपने इनके परिजन या अपने परिजनों से बताया ये चीज़? हाँ मैंने मतलब कॉल कांटेक्ट किया था वो कह रहे हैं हमें नहीं पता है तुम अपना देखो मेरे से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपके पति जी का? राकेश कुमार। कहाँ पे तैनात हैं? यहाँ रायबरेली में DCRV में SP ऑफिस। आज जब आई तो उस ऑफिस में क्या हुआ जब उनसे मिले? हमने कहा बात करो कहीं जा यहाँ से और एकदम से पेन हाथ में पकड़े हुए थे मेरे कान में डाल दिया एकदम से खून निकलने लगा। जब मैंने कहा मेरा कान फोड़ दिया कह रहा अभी तो तेरा कान फोड़ा फिर तेरी आंखें फोड़ूंगा मेरा कुछ नहीं तू कर सकती। और लोग नहीं थे क्या? सब लोग थे सब ऐसे दूर से देख रहे थे। मंगलसूत्र भी आप मेरा मंगलसूत्र था पहन रखा था छीन लिया कह रहा मैं तुझे पत्नी का वो सुख कभी नहीं दूंगा मंगलसूत्र तू मेरी पत्नी नहीं है। क्या चाहती है आप? हम क्या मुझे न्याय चाहिए है बस मेरा कान फोड़ा है मेरी जान को खतरा है हम क्या करें हम कहाँ जाएंगे बताओ। मेरी शादी हो गई है हमें हम तो वहीं के वहीं पे अपने आप को बचाने के लिए शादी की हमें तो कोई न्याय नहीं मिला है हम तो वहीं के वहीं पे हैं हम क्या करेंगे बताओ। कहीं शिकायत की आपने? सब हर जगह शिकायत की हरदोई में भी की यहाँ भी करते हैं। स्टाफ का मामला है लोग बचाते हैं कहते हैं स्टाफ है मेरी अगर उसकी इज्जत गई तो अधिकारियों की भी फिर इज्जत पे वो होगा इस वजह से वो लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं समझा देते हैं ऐसे ही। अगर वो डांटे धमकाएं तो वो साथ में क्यों नहीं मानेगा साथ में रखेगा? मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे? तो हम आत्महत्या कर लेंगे हम बस मेरे पास यही रास्ता है क्या करें हम भी। साल पहले मुलाकात हुई थी हम SP ऑफिस में गए थे मुकदमा मेरा एक चल रहा था 376 का तो SP ऑफिस में हम अप्लीकेशन देने गए थे तो उससे ये हम बाहर निकले हम रो रहे थे। इन्होंने मेरी समस्या पूछी मैंने विश्वास करते हुए इनको अपनी समस्या बताई। इन्होंने कहा मैं खुद पुलिस में हूँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं तुम्हारा सहजानपुर से मुकदमा हरदोई में ट्रांसफ़र करवा दूँगा। इन्होंने मेरा नंबर लिया ये मैंने नंबर दे दिया ये मेरे से ऐसे बात करते रहे धीरे धीरे बोले तुम मुझको अच्छी लगती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा और मैंने इन पर विश्वास कर लिया। इन्होंने एक दिन कहा तुम्हारा मुकदमा मैंने ट्रांसफ़र के लिए बात की है यहाँ आ जाओ मेरे रूम पर तुमसे बात करनी है। हम इनके रूम पर गए इन्होंने बातचीत की फिर इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। जब मैंने मना किया मैंने कहा तुम मेरे से शादी कर ही लोगे तो अभी क्यों है बाद में कर लेना शादी के बाद कर लेना। इन्होंने कहा नहीं अगर तुम मेरे साथ नहीं करोगे मैं ज़बरदस्ती इन्होंने फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया मेरा वीडियो बनाया इन्होंने उसके बाद में ये मुझे वीडियो दिखा कर धमका कर ब्लैकमेल करते रहे। हम मजबूरन होकर इनके पास जाते रहे मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कह रहे थे मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा। फिर मैंने मजबूर होके मैंने जब इनसे शादी के लिए कहा मैंने कहा शादी करो तो ये मुझे ऐसे ही मतलब बोलते थे मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा टाल मटोल करते रहे ऐसे ही। फिर मैंने उसके बाद अप्लीकेशन दी वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ हरदोई में
एसपी साहब उन्हीं की साइड ले रहे थे, हमारे हस्बैंड की। उसके बाद जब हम लखनऊ आए आईजी साहब के यहाँ पे, वहाँ से मेरा समाधान हुआ, उन्होंने ही मेरी शादी करवाई, सब कुछ वहीं से मेरा हुआ। जब उन्होंने एक्शन लिया तब जाकर उसने अपने आप को बचाने के लिए मेरे से शादी कर ली, मुकदमा जेल जाने से